नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अब देखिए, बाबर ने इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट जो लड़ाई की बैटल ऑफ पानीपत, वो हमने देख लिया। उसने राणा सांगा के अगेंस्ट जो लड़ाई की बैटल ऑफ खानवा, वो हमने देख लिया। थोड़ी बहुत लड़ाई यहाँ पे अफगान्स के अगेंस्ट हुई, बहुत बेसिक चीज़ है। तो अफगान्स के रिस्पेक्ट में जो बाबर की लड़ाई हुई, इसको हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। उससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिग्निफिकेंस ऑफ बाबर्स एडवेंट इनटू इंडिया, और उसके बाद की वीडियो में आएगा हुमायूं कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात एंड टसल विद शेरशाह सूरी। अभी के लिए अफगान के साथ जो लड़ाई हुई उसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो। अफगान्स पहले यहाँ पे हराए जा चुके थे। ये जो आपका राणा सांगा के साथ लड़ाई हुई थी ना, उसमें ज़्यादातर जो अफगान्स थे वो राणा सांगा की तरफ थे, लेकिन उसके बाद भी अफगान्स ने ओवरऑल हुमायूं के रूल को यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया, और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश अभी भी अफगान चीफ्स के डोमिनेशन के अंदर था। जौनपुर के आसपास का जो इलाका था वो अभी भी अफगान चीफ्स के अंदर था। ओके, उन्होंने अपना एलिजियंस दिया तो था बाबर की तरफ। वो कह तो रहे थे कि भाई हाँ ठीक है भाई, हम अपने बाबर को अपना राजा मानते हैं, बट वो एक्चुअली में बाबर को दिल से नहीं मानते थे। किसी भी समय वो उसके राज को थ्रो ऑफ कर सकते थे। और ये जो अफगान सरदार थे, इनकी मदद कर रहा था नुसरत शाह। नुसरत शाह आपका बंगाल का राजा था, और नुसरत शाह को शुरुआत से ही बाबर पसंद नहीं था, क्योंकि बाबर ने हराया था इब्राहिम लोदी को, और इब्राहिम लोदी की जो बेटी थी उसकी शादी हुई थी नुसरत शाह से। तो नुसरत शाह का रिश्तेदार था इब्राहिम लोदी। अब ये अलग बात है कि पॉलिटिक्स में जो रिश्तेदारी होती थी, शादी वगैरह जो की जाती थी बच्चों की, वो सिर्फ अपने मतलब के लिए की जाती थी, ठीक है ना। तो कुल मिला के आप देख लो कि ये इंडिया है। जौनपुर और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के आगे बंगाल तक ये जो पूरा का पूरा इलाका था, ये पूरी तरीके से कंसोलिडेट नहीं हो पाया था बाबर के अंदर, और बाबर को ये कंसोलिडेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आप देखोगे कि बाबर के बाद हुमायूं, अकबर और सबसिक्वेंट रूलर्स के लिए इतनी मुसीबतें नहीं होंगी, बाबर के लिए मुसीबतें बहुत ज़्यादा थी, प्रेकैरियस थी। क्यों? चूँकि बाबर इंडिया के अंदर एकदम से एंट्री मारा था और वो एक आउटसाइडर था, और इंडिया में जो प्रेजेंट लोग थे ना, यहाँ के रूलर्स और ना ही यहाँ की जनता बाबर को अपना रूलर मानने के लिए तैयार थी। जनता इसलिए मानने के लिए नहीं तैयार थी क्योंकि जनता को लग रहा था जो तिमूर के समय पे हुआ था वही बाबर के समय पे हुआ था, हालांकि बाबर ने इतना किया नहीं क्रुएल्टी लोगों के साथ। अब समझिए, अर्लियर अफगान्स हैड आउस्टेड द मुगल ऑफिशियल्स इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड रीच्ड अप टू कन्नौज, बट देयर ग्रेटेस्ट वीकनेस वाज द लैक ऑफ अ पॉपुलर लीडर। आफ्टर सम टाइम महमूद लोदी, ब्रदर ऑफ इब्राहिम लोदी, हु हैड फॉट अगेंस्ट बाबर एट खानवा, रीच बिहार, द अफगान्स हेल्ड हिम एज देयर रूलर एंड मस्टर्ड स्ट्रॉन्ग अंडर हिम। देखिए, अफगान पॉलिटी का हिसाब ये है, और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में जो अफगान लीडर्स राज कर रहे थे, ये अलग अलग कबीलों के सरदार हुआ करते थे, इनका कोई अनडिस्प्यूटेड वन लीडर नहीं था। अभी मुगल ऑफिशियल जो कि स्टेशन करके रखे थे ये बाबर ने ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, उन मुगल ऑफिशियल्स को बाहर निकाल दिया इन अफगान सरदारों ने। अफगान सरदारों का कोई एक पर्टिकुलर लीडर नहीं था, वो एक पर्टिकुलर लीडर मिला इनको महमूद लोदी के हाथ फॉर्म में। इब्राहिम लोदी का भाई था महमूद लोदी, और महमूद लोदी बैटल ऑफ खानवा में बाबर के अगेंस्ट लड़ चुका था। वहां वो हार गया था एक अलग बात है, बट वो मरा नहीं था। तो ये जो महमूद लोदी है वो यहाँ पे बिहार पहुंचेगा, और जब वो बिहार पहुंचेगा तो बिहार ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के पास है और बिहार बंगाल के पास भी है। तो बिहार में जितने भी आपके अफगान चीफ्स हैं वो बोल देंगे कि भाई महमूद लोदी हमारा राजा है। अब महमूद लोदी वैसे ही बाबर का दुश्मन था, तो अब बाबर के लिए ईस्टर्न एरेना में प्रॉब्लम काफी बढ़ रही थी। ओके, तो आगरा छोड़ के 1529 में बाबर निकला ईस्ट के लिए। ओके, और जैसे ही वो गंगा क्रॉस करके बनारस के पास पहुंचा, वहां पे उसकी लड़ाई होने वाली थी अफगानी फोर्सेस के साथ और नुसरत शाह ऑफ बंगाल के साथ। तो घग्गर नदी के पास अफगान और नुसरत शाह ऑफ बंगाल की कंबाइंड फोर्सेस लड़ रही थी बाबर के अगेंस्ट। ओके, बाबर ने कैसे ना कैसे करके इन फोर्सेस को पीछे ढकेला, लेकिन ये फोर्सेस भी बहुत स्ट्रांग थी। तो कुल मिला के यहाँ पे एक डिसीजिव विक्ट्री सी नहीं हो पाई। डेफिनेटली यहाँ पे बाबर ने इन फोर्सेस को पुश बैक कर दिया, और ये फोर्सेस ना बाबर को पूरी तरीके से हरा पाई, लेकिन बाबर पूरी तरीके से जीत भी नहीं पाए। एक खिचड़ी सी यहाँ पे पक गई, प्लस यहाँ पे बाबर की अब तबीयत भी खराब हो रही थी, वो इल फील कर रहा था। और सेंट्रल एशिया में क्या सिचुएशन चल रही है, काबुल वगैरह में जो उसके डोमिनियंस हैं वो सेफ हैं कि नहीं है, इस बात की टेंशन भी यहाँ पे बाबर को हो रही थी। तो बाबर ने बोला कि चलो भाई एक काम करो, अफगान्स के साथ यहाँ पे एक मांडवली सी कर लो। उसने अफगान्स को हल्का फुल्का हरा दिया था, कन्विंसिंगली नहीं हरा पाया था, और उसको ऐसा लग गया था शायद हरा भी नहीं पाएगा, लड़ता रहा तो लंबे समय तक लड़ना पड़ेगा। तो कुल मिला के बिहार के इलाके के ऊपर बाबर ने बोला कि भाई मेरा क्लेम है, तुम लोग इंटरनली राज करो, क्लेम मेरा है। लेकिन अब समझिए, बाबर ने अंपायर को कंसोलिडेट नहीं किया था, बाबर ने बस यहाँ पे एक फ्लेक सा क्लेम कर दिया। क्लेम इसलिए कर दिया क्योंकि बाबर अपनी फेस सेविंग करना चाहता था। ये बात बाबर भी जानता था कि बिहार में जो राजा बैठेगा वो ओवरऑल बाबर की सुनेगा नहीं। जो बंगाल का नुसरत शाह था उसके साथ भी यहाँ पे बाबर ने ट्रीटी कर ली। ये बाबर ने क्यों किया?
पहले तो बाबर को वापस जाना था दिल्ली की तरफ और सेंट्रल एशिया की तरफ अपने डोमिनेंस को कंसोलिडेट करने के लिए। ईस्टर्न उत्तर प्रदेश ऑलरेडी बाबर के पास आ चुका था। बिहार और बंगाल, ये जो दो इलाके थे, इनको जीतने की कैपेसिटी अभी बाबर के पास नहीं थी, ये बात बाबर को पता थी। तो बाबर को लगा कि बिहार और बंगाल वाले इलाकों के साथ मांडवली करके ट्रीटी साइन करके चलो वापस। बिहार के ऊपर तो अपनी सुजरेनिटी बोली बाबर ने, हालांकि बाबर जानता था कि उसकी कोई सुजरेनिटी नहीं है, उसके वापस जाते ही ये लोग फिर अपने आप को इंडिपेंडेंट बोल देंगे। लेकिन अब इस ईस्टर्न इंडिया के क्वैगमायर से बाहर निकलना था, इसलिए ये ट्रीटी साइन करके ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के ऊपर कब्जा करके वापस आया बाबर। लेकिन उसके बाद आप देखोगे कि लाहौर के पास बाबर की मृत्यु हो गई जब वो काबुल की तरफ जा रहा था। सेंट्रल एशिया में क्या कंडीशन चल रही थी इसका मुआयना करना चाहता था बाबर, उसके लिए वो काबुल की तरफ जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी यहाँ पे मौत हो जाएगी। ठीक है, उसका इवेंटफुल कैरियर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ बाबर्स एडवेंट फ्रॉम इंडिया इन टू इंडिया।